अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो हम बना रहे हैं जी एक बार फिर सिटी मोटर्स के ऊपर। सिटी मोटर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गुजरांवाला में अगर आप आते हैं तो पिंडी बाईपास से आप रावल की तरफ आएंगे तो आपको बिल्कुल राइट साइड पर ये मिल जाएगा। तो आज हम आपको जो सिटी मोटर्स के ऊपर गाड़ी दिखाने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त शानदार गाड़ी है। ये है जी टोयोटा सर्फ है। ये बड़ी अच्छी हालत में, टोटल ओरिजिनल हालत में गाड़ी पड़ी है, बड़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है। तो आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इसका फ्रंट देखें आप कि फ्रंट से इसकी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोनट आपको देखें तो बहुत बड़ा बोनट है, साफ़ सुथरी हालत में है। ये 1997 मॉडल है जी, 7 की इसको रजिस्ट्रेशन है। बाकी जाहिर बात है, इतना पुराना मॉडल होने की वजह से ये जिसके ऊपर मुझे लगता है ये आफ्टर मार्केट जो इंस्टॉल किया गया है ये लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा क्रैक भी है यहाँ से। बाकी टायर्स की अगर आप बात करें, टायर्स आपको दिखाते हैं। टायर्स आप देखें साइड से, बिल्कुल अच्छे टायर्स हैं, अलॉय रिम बड़े जानदार तगड़े लगे हुए हैं जी। साइड्स भी बिल्कुल इसकी साफ़ हैं, आप देखें तो स्क्रैचलेस इसकी साइड है यार, कोई इशू कोई मसला मसायल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टायर भी आप देखें तो यहाँ से बिल्कुल न्यू टायर हैं, टायर्स ये योकोहामा के टायर हैं जी, बड़े ही शानदार और बड़ी साफ़ सुथरी हालत में ये टायर्स हैं, बिल्कुल न्यू टायर्स हैं। बैक आपको दिखाते हैं, बैक आ जाएँ आपको दिखाते हैं जी। बैग इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर स्पॉइलर लगा हुआ है, और बैक कैमरा आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बैक कैमरा भी है इसमें। और बाकी SSRG ये इसका एडिशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, तो कोई इशू नहीं है। ट्रंक खोल के दिखाते हैं आपको कि ट्रंक की क्या सूरत हाल है जी। जी ये देखें जी दोस्तों, ट्रंक इसका हाइड्रोलिक ट्रंक है, बड़ा ही शानदार, बहुत बड़ा ट्रंक है इसका और हैवी ट्रंक है। और बाकी जी इसका जो स्पेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, ये वाली स्पेस आप देखते हैं। जाहिर बात है ऐसी गाड़ियाँ मोस्टली जो ऑफ रोड के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं अगर ऑफ रोड आप जाना चाह रहे हैं तो। चलें आपको इंटीरियर दिखाते हैं जी, अंदर से गाड़ी की लुक कैसी है, क्या व्यू दे रही है और क्या इसका हिसाब किताब है। देखें डोर की सील्स आपके सामने हैं जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डोर की सील्स हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा अगर अंदर से आपको डैशबोर्ड दिखाएं तो डैशबोर्ड भी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके AC बिल्कुल फिट हैं, स्क्रीन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, गियर ट्रांसमिशन जो है इसकी ऑटोमेटिक है, लेकिन साथ में 4x4 भी इसका एक्टिव है। सीट्स दिखाएं जी, सीट्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 1KZ इसका इंजन है जी, वो भी आपको बताते हैं उसके बारे में। और बाकी अभी छत दिखाएं, वो भी है सनरूफ इसमें है जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई मसला मसायल नहीं है। तो हर लिहाज से गाड़ी जो है ना यार बिल्कुल फिट फैट ज़बरदस्त हालत में है। तो चलें आपको दिखाते हैं जी इसका हम इंजन, के इंजन की क्या कंडीशन है और क्या लुक आ रही है। तो जी इंजन देखें, माशाल्लाह बड़ा ही तगड़ा इंजन इसमें लगा हुआ है, 2 बैटरियाँ इसमें लगी हैं, ये देखें आप, आपके सामने 2 बैटरियाँ। और ये क्यों लगी हैं? क्योंकि भाईजान ये है जी 3000 CC इंजन है, ये 3000 CC है। इसमें डस्ट ज़रूर पड़ी हुई है क्योंकि ये काबिल इस्तेमाल गाड़ी है, इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंजन में मिट्टी शिट्टी आपको नज़र ज़रूर आएगी। बाकी 3000 CC इंजन है, बहुत तगड़ा बड़ा पावरफुल इंजन इसका है, और उसी की वजह से ज़ाहरी बात है ये इसमें थोड़ी सी आपको बैटरियाँ जो हैं वो 2 नज़र आएंगी। बाकी इसके आप देखें, फ्रंट ग्रिल आपके सामने है, ये देखें यहाँ पे इसके नंबर शंबर लिखे हुए हैं, बिल्कुल असली इसकी अपनी ग्रिल लगी हुई है। और दूसरा अगर आप इसका बोनट भी देखें तो बोनट के सामने आपके कंडीशन है जी, कोई मसला कोई इशू कुछ भी इशू वाली बात इसमें नहीं है। इंजन वाइज भी गाड़ी की बात करें ना तो गाड़ी इंजन वाइज भी बहुत ही ठीक है, कोई मसला मसाइल इसमें नहीं है। सनी भाई इंजन वाइज गाड़ी बिल्कुल ठीक है यार, कोई इशू मसला मसाइल नहीं है। बाकी हम आपको बताते हैं जी इसकी प्राइस, कि इसकी प्राइस जो डिमांड की जाए। हमने आपको टोयोटा दिखाई है यार, बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल जानदार गाड़ी है, एंड स्पेशली ऑफ रोड जाने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो सिटी मोटर्स के ऊपर इसकी डिमांड की जा रही है वो डिमांड कर रहे हैं जी 28 लाख रुपया। 28 लाख डिमांड ज़रूर है, लेकिन आपको हमेशा मैं कहता हूँ प्राइजेस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, नेगोशिएबल हैं जी, कमी बेशी ज़रूर हो सकती है। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो आपने ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इनको रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ये वाला निशान आपके स्क्रीन पे बनाता है, बस आप उसको भूल जाते हैं कि करना क्या है, मैं बताता हूँ, उसके ऐसे ही आपने टच कर देना होता है ताकि हमारी वीडियो को लाइक मिल जाएगा और हमें खुशी होगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अपना और अपने आसपास तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।